शान्तिः 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 नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे ॐ शान्तिः शांति शांति नारायण फिफ्टी थ्री नंबर श्लोक में ध्यान दे प्रकरण के बोलते हैं कि तत्व का विचार करने पर भी प्रतिबंधक यदि बहुत हो तो साक्षात्कार रूपी ज्ञान नहीं होता है जो ज्ञान आपके अज्ञान को दूर कर ले मुक्ति को प्राप्त करा दे ऐसा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ये बात तो बतलाई और अभी जो है कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वेदांत का विचार शास्त्र कहता है आत्मा व अरे द्रष्ट्य श्रोतव्य मंतव्य है आत्मज्ञान को यदि प्राप्त करना चाहते हो गुरु मुख से आप वेदांत का श्रवण करो मनन करो निध्यासन करो इसको कहते हैं विचार विचारात जायते बोध परंतु ऐसा वेदांत का श्रवणादि विचार जिसको प्राप्त नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या समझना चाहिए हुँ? क्या समझना है? समझ करके दीवार पर लिख लो लिख लो जिसको वेदांत सुनने को नहीं मिल रहा है सुनने पर भी कान बंद कर देता है माथा गर्म हो जाता है वेदांत सुनने में रुचि नहीं होती है समझ में ना? तो उसको क्या मानना चाहिए हुँ? कोई बोलो वेदांत सुनने वाले क्या मानना चाहिए उसको तीव्र पापी क्या मानना चाहिए उसको तीव्र पापी बहुत पाप है जिसके कारण उनको सुनने को नहीं मिल रहा है सुनने में रुचि जिसको नहीं हो रही है ये कहा कैसामचित स विचारों पर कर्मणा प्रतिबद्ध थे उनको पापरूपी अत्यंत पापरूपी प्रतिबंध के कारण वेदांत सुनने को नहीं मिल रहा है धर्म है ना ये बात बतलाई कौटोपनिषद श्रुति में कहा गया श्रवणायापी बहु भीर यो समझ में ना ये बौद्ध लोगों का यही हाल है आजकल कलयुग में समझ में ना लेकिन जिसको रुचि होती है वेदांत से अतिरिक्त तो कुछ भी सुनना नहीं चाहता है वो बोलते हैं महाराज क्या कथा कहानी सुना रहे हो जो वेदांत का सिद्धांत है जिसको सुनने से हमारा कल्याण होगा वो आप सुनाओ इधर उधर का ना सुनाओ ऐसे लोग बोलते हैं ना वही है वास्तविक साधक कथा कहने में उनको रुचि नहीं होती है समझ में न भगवान ने है ना तो ये कहा कि जो है नचिकेता के लिए आचार्य जमराजी ने श्रवणायापी बहु भीर यो न लभ्य परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए जो श्रवण है श्रवण शब्द पारिभाषिक है है ना तात्पर्य का निर्धारण करना इसको कहते हैं श्रवण तो गुरु मुख से सुनने पर होता है धन में ना बार बार सुनेंगे तो आपको संशय नहीं होता है आत्मा बिना शि ठीक है आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन वेदांत है ठीक है ये संशय नहीं हो पाता है वेदांत प्रमाण है कि नहीं है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा जा रहा है ये वाक्य प्रमाण है कि नहीं है सर्व कलुविधम ब्रह्म ब्रह्म का प्रतिपादक शास्त्र ये है कि नहीं है प्रमाणगत संशय ये संशय नहीं रहता है समझ में ना अच्छा उसके बाद देखो फिफ्टी फोर में फिफ्टी फिफ्टी थ्री तो हो गया फिफ्टी फोर में एतावता सती प्रतिबंधे तत्व साक्षात्कार तत्साधना भोतो विचारश्च न संभवती देखो यहाँ तक ये बात बतलाई सती प्रतिबंधे प्रतिबंधक यदि पड़ा हो आपके चित्त में तो वेदांत सुनने पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है विद्वान बन जाओगे कोई बात नहीं <laughs> लेकिन सा विद्या या क्या है विमुक्त है जो ज्ञान मुक्ति को दे दे ऐसा ज्ञान तो नहीं होता है प्रतिबंधक यदि हो तो ठीक है ये टीकाकरण ने कहा सती प्रतिबंधे तत्व साक्षात्कार परमात्मा का साक्षात्कार रूपी ज्ञान नहीं हो पाता है और ये भी बतला रहे हैं तत्साधनाभूत विचार है तो ना कि साक्षात्कार का साधन क्या है विचार है विचार के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है इसलिए वो विचार भी नहीं हो पाता है प्रतिबंधक हो तो बहुत पाप हो तो बहुत पाप हो तो वो विचार भी आदमी नहीं कर पाता है इति अविधायक ऐसा कह करके अब क्या कहते हैं महाराज ऐसे लोग भी है, है तो मुमोक्ष है मोक्ष चाहता है लेकिन वेदांत विचार करने में समर्थ नहीं है बोलते हमारे महाराज हमारी बस की बात नहीं है है ना कि तत्पथ का क्या अर्थ है तम का क्या अर्थ है है कि नहीं ये सब हमारे बस की बात नहीं है हम तो असमर्थ है विचार करने में तो लेकिन है मुमुक्षु कल्याण करना चाहता है अपना कल्याण करना चाहता है मनुष्य जीवन तो आत्मकल्याण के लिए ही मिला है है ना? मोक्ष के लिए ही मिला है समझ में ना? ऐसा मुमुक्ष तो है जीवन में लेकिन विचार करने में समर्थ नहीं है उसको क्या करना चाहिए समझ में ना? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर इदानी विचारासमर्थ ना, विचार में जो व्यक्ति समर्थ नहीं है वित्त में योग्यता नहीं है लेकिन है पुरुषार्थी पुरुषार्थार्थी ना पुरुषार्थ क्या है <laughs> मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है मोक्ष ये भोग वगैरह नहीं है भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं समझ में हाँ थोड़ा आचकट पल लिए बोलते हम पशु पक्षी से भी ज़्यादा बुद्धि हमारी है कितना भी विज्ञान पढ़ लो पशु पक्षी से ज़्यादा बुद्धि आपके नहीं है आप ज़्यादा अनुमान नहीं कर सकते समझ में है क्यों भाई सही बात है ना पशु पक्षी ज़्यादा अनुमान करते हैं कि मनुष्य ज़्यादा अनुमान करता है पशु पक्षी पशु पक्षी अनुमान कर लेता है वो बारिश कब होगी ये चीटी भी जान लेती है कि वैज्ञानिक लोग कहाँ जाने का? <laughs> बताओ अनुमान नहीं कर सकते हो समझ में है ना वो जान लेता है वो है चीटी को भी क्या चीटी भी अनुमान कर लेती है बारिश कब होगी इसलिए सामान रख लेती है वो अपने घोसले में है ना वो गुफा में सब एकत्रित करके रख लेती है डाण इंद्र शक्ति बहुत है उनको भगवान ने ऐसी अनुमान करने की शक्ति दी है देखो एक पक्षी है वृक्ष में घोसला बनाते हैं मैं वहाँ पर इसी केस गया था तो देखा मैंने वहाँ पर विलक्षण घोसला बना रखी थी वो ऐसा घोसला तो कितना बड़ा सुंदर कारीगर नहीं बना सकता है बहुत विलक्षण वो घोसला बनाए थे वो ऐसा बने कितने भी आंधी हो घोसला नहीं गिरेगा कितना पानी हो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा उसे बढ़िया जो है वो बच्चे के लिए अंडा अंडे देने के लिए रग लेती है भोजन खिलाने के लिए रग बना लेती है वो जगह बना लेती है बड़ा विलक्षण है वो है ना? बड़ा सुंदर आर्किटेक्ट है वो ऐसी <laughs> कला होने से नहीं हो सकती है कि नहीं लेकिन उनको शास्त्र ज्ञान नहीं है पशु पक्षी को क्या है मनुष्य जीवन ये जो जीवन मिला है वो किस लिए मिला है ये ज्ञान पशु पक्षी को नहीं है समझ में न इसलिए परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उस मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर मिला है है ना मोक्ष ही चाहने वाला जो है वही होता है पुरुषार्थार्थी मोक्षार्थी मतलब किम कर्तव्यम वेदांत का विचार करना में सामर्थ नहीं है तो क्या करना चाहिए उनको शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा वेदांत का विचार करो या ना करो इसलिए शरीर का मनुष्य शरीर का उपयोग क्या कैसे होगा किम कर्तव्यम है ना तृतीय एक वचन ही ना मुमुक्षु है लेकिन वेदांत विचार में सामर्थ्य नहीं है उनको क्या करना चाहिए किम कर्तव्य है ना थारू? तो क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है तो कौन बताएगा शास्त्र बताएगा है ना? हाँ लिखा है गीता में क्या कहा तस्मा शास्त्र प्रमाण ते कार्यकारे व्यवस्थित हमारे तो। लिए क्या कर्तव्य है ये तो शास्त्र प्रमाण है। विचार क्षमा मत तु उपासते उपास, उपास गुरु हे देखो लिख दिया विचार करने में जो मरते हैं मतलब जो मनुष्य समर्थ नहीं है है ना गुरु हो तत्श्व तो उपास्य गुरु आचार्य गुरुदेव से सुन करके तुम इसका ध्यान करो कर्पूर गौरव कौणावतारम परमात्मा का ध्यान करो वो ध्यान कर लेता है उपासना में लग जाता है वो ये करते हैं यहाँ पर फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाता है परमात्मा कर गौरव कैसे हो गए भाई हाँ वो कैलाश में कैसे रहेगा वही वहाँ पर कोई मकान नहीं तो रहेगा कैसे है कि नहीं <laughs> ये सब शंका नहीं करता है वो कैसे जगत को बनाएगा उनके पास तो कुछ ही नहीं है हाँ कोई हथियार नहीं तो क्या बनाएगा मकान को सारा संसार को कैसे बनाएगा वो ये सब शंका नहीं करता है इसलिए कहा यहाँ पर गुरु श्रुत्वा गुरु के प्रति शब्द है ना गुरु के प्रति श्रद्धा होने से गुरु ने जैसा बताया ऐसा ही उपासना कर लेता है ये बोलते हैं यहाँ पर पहले कहा था ना प्राक प्रतिज्ञातम अट्ठाइस नंबर श्लोक में जो प्रतिज्ञा के रूप से कही गई थी तो उपपादयति उसको उपवादन करते हैं लिखते हैं बोध कराते हैं ये श्लोक को याद रखना चाहिए भी फिफ्टी फोर को ये श्लोक को मैं पहले बहुत बार कहा है अत्यंत बुद्धिमान वा सामग्रिया वाप्य संभवात, सामग्रिया व्याप्य संभवात, यो व्याप्यसंभवात्चार न लभते यो विचार न लभते ब्रह्मोपासी निशम ब्रह्मोपासित निशम मतलब सह अनिशम ऐसा विचेत करना एंग पदांतात अति ये सूत्र होता है ना तो पूर्वरूप एकादेश हो गया ठीक है सह मतलब जो मुमुक्षु है वेदांत विचार नहीं कर पाता है वो उपासना करे है ना आचार्य बोल रहे हैं कि वो उपासना करे ब्रह्मा उपासित ब्रह्म की उपासना करें बोलते हैं सुबह आधा घंटा शाम को आधा घंटा है क्या है ना, बोलते हैं ऐसा नहीं अनिशम वो निरंतर लगातार दिन रात परमात्मा का चिंतन करे बोलते हैं वेदांत का विचार नहीं कर पाता इसलिए यो विचारम ना लवते जो विचार को प्राप्त नहीं करता मतलब विचार करने में जो समर्थ नहीं है वो यदि अपना कल्याण करना चाहता है तो परमात्मा का निरंतर उपासना करे ब्रह्मा उपासित बोलते हैं कि जो वेदांत का विचार क्यों नहीं कर पाता है उपासना में क्यों लगता है वेदांत का विचार में क्यों नहीं लग पाता है कारण क्या है अब कारण को सुन लो है? तो कहते हैं कि अत्यंत बुद्धि मंद्यात एक नंबर हो गया थोड़ी सी मंदता हो बुद्धि की कोई बात नहीं धीरे धीरे वेदांत सुनते सुनते बुद्धि की मंदता चली जाती है ये पहले विचार आया ना निरंतर वेदांत को सुनता रहे तो थोड़ी सी मंदता जो थी ना बुद्धि की वो तो चली जाएगी ज्ञान की योग्यता आ जाती है लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बहुत मंदा है बुद्धि बहुत ज़्यादा मंद है ऐसे भी महापुरुष ऐसे भी साधक होते हैं बहुत मंद जब बुद्धि होती है तो शास्त्र को नहीं पकड़ पाता है कि गुरु क्या कह रहे हैं <laughs> तो सब उनसे ऊपर ऊपर चला जाता जा है वो महाराज हमारी बुद्धि के ऊपर जा रहा है लोग बोलते हैं ना जैसे <laughs> कहते हैं कि मान लीजिए आपका चाकू चाकू बहुत तेज है है ना तो थोड़ा सा प्रयत्न किया तो सब्जी के आमनिया हो जाती है फल कट जाता है सब्जी कट जाती है जान में तो लेकिन धार कम हो तेज कम हो चाकू में तब भी वो फल तो कटता है भले ही प्रयास ज़्यादा लगता हो बार बार बस लगाते रहो लगा रहते हो रहो सब्ज़ी कट जाती है फल कट जाता है लेकिन मान लीजिए आपके पास चाकू नहीं है तो क्या करोगे चाकू नहीं है मा लोहे का रड़ है हैं? लोहे का रड़ है तो फिर तो सब्जी कटेगी क्या सब्जी को कूट तो सकते हो ऐसे के टुकड़ा टुकड़ा <laughs> लेकिन सब्जी कटेगी तो नहीं इसी प्रकार से यहाँ पर समझ लो ये बुद्धि इतना मंदा है कि वो शास्त्र को नहीं पकड़ पाता है ठीक है भाई ये देखा यहाँ पर अत्यंत विशेषण दिया बुद्धि की जो मंदता है ना अत्यंत मंदता है बहुत ज़्यादा मंद है ठीक है वो तो है वेदांत का विचार नहीं कर सकता वो वेदांत का विचार नहीं कर सकता है ठीक है भाई जगत कैसे मिथ्या होगा हमको सारा का सारा दिखाई दे रहा है महाराज ये सब इतना आप झूठ बोलते हो खा रहे हैं तो सुख मिल रहा है है ना प्रतिकूल होने पर दुख हो रहा है आप कहते हो तो मिथ्या तो हमारी बुद्धि से तो ऊपर है <laughs> लोग बोलते कि नहीं ऐसे तो इसको कहते हैं अत्यंत बुद्धि की मंदता थोड़ी सी मंदता नहीं बहुत ज़्यादा मंद हो अच्छा चलो बुद्धि आपके पास है बहुत अच्छी बुद्धि है भगवान ने आपको अच्छी बुद्धि दी रखी है ठीक है ना? तो बुद्धि तो बड़ी तीक्षण है समझने की सामर्थ्य भी है लेकिन गुरु नहीं मिला तो क्या करोगे सामग्री बापी असंभव सामग्री है वेदांत का विचार करने के लिए क्या चाहिए गुरु चाहिए गुरु के बिना वेदांत का विचार करोगे हम क्या कह रहे नहीं कर सकते आचार्याध एवं विद्या विदिता साधिष्ठम आचार्य से प्राप्त विद्या वही विद्या साधिष्ठ होती है समझ में ना वही साधुतम होती है वही विद्या फलप्रद होती है इसलिए आचार्य के बिना विद्या ज्ञान अज्ञान को दूर करने वाला जो ज्ञान जो विद्या है ना वो आचार्य से ही प्राप्त होती है आचार्य के बिना वेदांत का विचार नहीं कर सकते आप इसलिए बहुत साधक हमने देखा है आचार्य प्राप्त नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे नहीं हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे बोलते बोले दुकान से ले लो पुस्तक पढ़ लो अथवा तो रिकॉर्डिंग सुन लो <laughs> बोलते ऐसे नहीं पहले हम पढ़ेंगे गुरुमुख से बाद में हम सुनेंगे समझे ना बाद में हम आवृत्ति करेंगे है ना आवृत्ति असकृत उपदेशात लेकिन जिसको आप पढ़ोगे ना गुरुमुख से तब ना उसकी आवृत्ति करोगे नहीं तो भ्रांति हो जाती है ना ऐसे कहते वेदांता नाम अनेकत्वाद संशयाना बहुत तत्व न जानाति गुरु बिना गुरु <laughs> गुरुपदेश बिना तत्व न जानाति जैसे कहते हैं जात्यंध जात्यंधस्य यथा जात्यंधस्य यथा न विद्यते जैसे जो अंधा है उसको रूप का ज्ञान होगा है जैसे चक्षु से कोई अंधा है है ना चक्षु में सामर्थ्य नहीं है तो रूप का ज्ञान उसको तो होगा नहीं इस प्रकार गुरु उपदेश के बिना भी उनको कहीं भी तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता है इसलिए गुरु विचार का सामग्री हो गया साधन हो गया समझ में ना इसलिए यहाँ पर सामग्री बापी असमवाद, बुद्धि में सूक्ष्मता होने पर भी योग्यता होने पर भी वेदांत विचार करने के लिए योग्य गुरु नहीं मिला यहाँ पर कहना है गुरु कहने से केवल ऐसा नहीं नाम का गुरु योग्य गुरु होना चाहिए समझ में ना जो आपको पार करा दे संसार से है <laughs> कि नहीं हाँ जैसे सोनाथ कुमार भगवान ने नाराज जी को पार करा दिया भाई तमसा पाराई थी तमसव पारम पाराई थी है ना संसार से पर जो परमात्मा है उसको प्राप्त करा दिया ऐसा योग्य गुरु प्राप्त नहीं हुआ अथवा तो कभी कभी ऐसा होता है महाराज आगे सब बताएंगे अगले श्लोक में योग्य गुरु भी प्राप्त हो गया तो आप वहाँ पर टिकेंगे गारंटी है क्या योग्य गुरु प्राप्ति हो गया लेकिन आप टिकेंगे नहीं तो कैसे होगा ऐसे तो डांट देगा वो बातों बातों में डांटेगा वो ओके नहीं खड़ों से मार देगा वो तब क्या करोगे घोड़े <laughs> उठाकर मार देगा वो है ना पत्थर उठाकर मार देगा कोई महापुरुष के पास जा रहे हो ऊपर से पत्थर मार देगा तब क्या करोगे माता फूट जाएगा है कि नहीं आ, ऐसे भी तो होते हैं आ, बहुत जगह पर हो सर ठीक नहीं बात है अथवा गुरु आपके लिए अनुकूल भी है आप भी अनुकूल है शिष्य भी अनुकूल है गुरु भी अनुकूल है लेकिन महाराज देश नहीं मिलता स्थान नहीं मिलता कहाँ रहोगे फिर वो फक्कर राम है वो हाँ। जैसे महाराज पहले तो डर गए थे वो है ना हाँ? सुजाता जी सुन रही है हाँ जैसे चिन महाराज जी महाराज ने पहले पहले डर गए वो तो महाराज ने डरा दिया उनको अरे मेरे तो कोई रहने का ठिकाना नहीं है तुम कहाँ पड़ोगे मेरे मेरे पास <laughs> ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना है तुम कैसे रहोगे फिर शिवानंद महाराज बोले अरे यही तो तुम्हारी परीक्षा है <laughs> फिर छोड़ो मत <laughs> फिर ये शिवानंद महाराज जी का आज्ञा लेकर गए ना इसी प्रकार होता है ठीक है रहना बहुत मुश्किल होता है अथवा तो सामा नहीं मिलता है सामा नहीं मिलता है वेदांत विचार करने के लिए तो सामक का अभाव है स्थान का अभाव है गुरु का अभाव है कहीं ग्रंथ का अभाव है आजकल तो महाराज सब जगह पर ग्रंथ मिल जाता है पहले ज़माने में ग्रंथ ही नहीं मिलता था कैसे पढ़ोगे है कि नहीं बड़ी समस्या होती थी ठीक है आजकल के बहुत लोगों के पास पैसा है तो हम लोग जिसके जिसमें पढ़ते थे वो एक कलम भी लिखने के लिए पैसा नहीं होता था <laughs> कैसे पढ़ोगे <laughs> हम लोगों सिद्धांत गोदय जी पढ़ते थे तो एक स्लेट था स्लेट सेट वो स्लेट बोलते हैं ना पत्थर से जो बना हुआ होता है होता है ना हाँ आजकल नहीं मिलता है आजकल आज आज <laughs> <पुछारी laughs> डिजिटल अब पैसा नहीं तो क्या करें फिर तो फिर ये वो, वो पत्थर का स्लेट लाए थे हम, अरे चाक चाक होता है ना उसमें लिखते थे फिर उसको मिटा देते थे <laughs> इसी प्रकार से व्याकरण का अभ्यास करते थे वो तो आजकल तो सारी सुविधा है है कि नहीं तो ऐसी जब सामग्री नहीं है तो कैसे वेदांत का विचार करोगे ग्रंथ ना हो तो है ना इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर अत्यंत बुद्धिमान सामग्रियाँ अपि संभव असंभवात यो विचार न ना लवते जो विद्या वेदांत विचार को प्राप्त नहीं कर पाता है मतलब वेदांत विचार से वंचित है लेकिन है मुमुक्षु है ना है मुमुक्षु जो मुमुक्षु नहीं है ना उसके लिए यहाँ पर कोई विचार नहीं है ना? जो मुमुक्षु है वो क्या करे ब्रह्मा उपासित ब्रह्म की उपासना करे निरंतर सो अनिशम निरंतर विचार न करोगे ना जो पहले का जो संसार का संस्कार वो हावी हो जाएगा वो वही बुढ़ापे में खतरा होगा है <laughs> कि नहीं जितना ब्रह्म का ब्रह्म का उपासना होगा उसे संस्कार होगा जितना परमात्मा का चिंतन से संस्कार बढ़ेगा उतना संसार का संस्कार छूटेगा और कोई उपाय नहीं है शास्त्रीय संस्कार ठीक है ना शास्त्रीय संस्कार जब बढ़ेगा तो अशास्त्रीय संस्कार जाएगा विक्षिप्त संस्कार बोलते हैं संसार का चिंतन से आने वाला संसार है विक्षिप्त संसार विक्षिप्त संस्कार विक्षिप्त संस्कार शास्त्रीय संस्कार से जाता है यद्य संस्कार तो माइक है दोनों माइक है अशास्त्रीय संस्कार भी माई का है माया से है लेकिन शास्त्रीय संस्कार भी माया से है परंतु शास्त्रीय संस्कार की यही विशेषता है वो दूर कर लेता है अशास्त्रीय संस्कार को जाना में ना यही उपाय है और कोई उपाय तो है ही नहीं ठीक है जैसे कहते हैं ना, जैसे जमीन से जल भी निकलता है जमीन से कीचड़ भी है बोलो है कि नहीं दोनों है ना बराबर लेकिन कीचड़ को धोना है तो कैसे धोगे जो कीचड़ जमीन से है वही कीचड़ जमीन से नी वाला जल से होता है <laughs> इस प्रकार माई का चित्त में अशास्त्रीय संस्कार है कि नहीं सारा संसार तो माई का है चित्त भी माई का है चित्त में होने वाला संस्कार वो भी माई का है लेकिन अशास्त्रीय संस्कार को शास्त्रीय संस्कार दूर कर लेता है है कि नहीं ये सिद्धांत है भैया है ना? ऐसा होता है इसलिए तो है ना सकाम कर्म भले ही हो लेकिन अशास्त्रीय कर्म ना हो भले ही सकाम कर्म होता हो परंतु होना चाहिए शास्त्रीय अशास्त्रीय नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए अच्छा ये टीका है थोड़ी सी ले लो क्या कहते हैं सामग्री असंभवो नाम देखो लिख देना टीका में भाई सामग्री नहीं मिलती है ना वेदांत विचार के लिए तो सामग्री न मिलना क्या चीज़ है तथ तो तो उपदेश गुरु हो क्या लिखते हैं वेदांत का उपदेश करने वाला गुरु ये कह रहे हैं यहाँ पर जो अज्ञान को दूर कर ले वही होता है गुरु गृहस्थ है कि सन्यासी है <laughs> कि ब्रह्मचारी है वो तो कोई भी हो सकता है जो आपके अज्ञान को दूर कर ले ना वही गुरु समझ में ना? चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वाहप्रस्थ हो सन्या उसमें कोई भेद नहीं होता है उसमें कोई भेद नहीं है ठीक है जिससे कल्याण हो जाते बस उसी से कल्याण लेना चाहिए और क्या है अथवा तो जहाँ पर आपकी श्रद्धा हो जाए जहाँ पर श्रद्धा हो जाए वही आपके लिए कल्याणकारी है अत्यंत तो ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है सन्यासी है मान लो लेकिन फिर भी यदि आपकी आपकी यदि श्रद्धा नहीं है तो उधर क्या करोगे <laughs> तो कल्याण कैसे होगा श्रद्धा तो नहीं चाहिए ना गुरु हो अध्यात्म शास्त्र से अथवा अध्यात्म शास्त्र अध्यात्म शास्त्र है क्या होता है अध्यात्म देखो ये कि अव्यभव समाज है आत्मनीति अध्यात्म ये अध्यात्म का अर्थ आत्मनी मतलब आत्मा के विषय में जो शास्त्र है मतलब आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र कहते अध्यात्म शास्त्र समझ <laughs> में है इसको कहते हैं अथवा तत्वावेदक प्रमाण समझ में ना वेदांत को ही कहते हैं तत्वावेद का प्रमाण अध्यात्म शास्त्र बाकी जितने भी है वो अध्यात्म शास्त्र नहीं है वो उसको कहते हैं अतत्वावेद का प्रमाण समझ में ना न हाँ तत्वावेद का प्रमाण तो कौन वेदांत प्रमाण उपनिषद प्रमाण है गया ना भाई और बाकी जितने भी है चाहे वेद हो चाहे अन्य प्रमाण आदि हो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ये सारा का सारा अनात्मा का प्रतिपादन करते हैं केवल आत्मा का प्रतिपादन करने वाला तो केवल कौन उपनिषद प्रमाण है है कि नहीं अध्यात्म शास्त्र से कहने से वेदांत उपनिषद प्रमाण से उपनिषद प्रमाण नहीं मिला अभी ग्रंथ आपको प्राप्त नहीं हुआ तो अध्ययन तो नहीं हो पाएगा अथवा देश रेवा उचित देश नहीं मिला <laughs> उचित स्थान नहीं मिला तो कैसे अध्ययन होगा ठीक नहीं बाजार में बैठ करके के अध्ययन कैसे करोगे <laughs> बाजार में बैठ कर तो वो नहीं होगा ना स्थान भी होना चाहिए बहुत जगह पर ऐसे होता है महाराज ठीक है कहीं अनुकूल गुरु मिल गया तो स्थान नहीं और कहीं आपको अनुकूल स्थान मिल गया तो गुरु नहीं ऐसा होता ही नहीं होता है स्थान हो तो गुरु नहीं गुरु हो तो स्थान है जहाँ पर गुरु भी प्राप्त हो रहा है और स्थान भी प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पर क्या समझना चाहिए हाँ वस्तु ले लीजिए और क्या है वस्तु ले लीजिए अथवा स्वस्थता ले लीजिए शरीर के स्वस्थता भाई ये भी तो ले लीजिए शरीर स्वस्थ नहीं तो क्या करोगे शरीर स्वस्थ नहीं है लेकिन तब भी तो नहीं हो पाएगा ना वेदांत के विचार शरीर भी तो अनुकूल होना चाहिए ना, स्वास्थ्य अनुकूल होना चाहिए ये सब ले लीजिए ठीक है तो देश कालावा असंभव असंभव होने के कारण वेदांत का विचार नहीं कर पाता है और मुमुक्ष यदि हो तो परमात्मा का उपासन करे ये बोलते हैं इत्यर्थ अच्छा आप बिचारे देखो ननो <coughs> निर्गुणा ब्रह्म तत्व निर्गुणा ब्रह्म अच्छा अरे अच्छा। अच्छा, अच्छा। इसके ऊपर और भी बताता हूँ और भी बताता हूँ मान लीजिए अनुकूल गुरु मिल गया हो गया ना भाई अनुकूल स्थान मिल गया अनुकूल स्थान मिल गया फिर भी यदि कोई वेदांत का विचार नहीं करता है तो क्या समझना चाहिए <laughs> क्या समझना चाहिए उसको ऐसे बहुत जगह पर देखा जाता है गुरु शोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है हो गया ना कल्याण करने में समर्थ है ठीक है आपको अनुकूल स्थान में मिल रहा है आपका शरीर भी अनुकूल है सब कुछ अनुकूल है फिर भी अच्छा तो ऐसा प्राप्त होने पर कल्याण हो जाएगा गारंटी है <laughs> गारंटी नहीं स्वयं भी तो योग्य होना चाहिए ना? योग्य होना चाहिए पुरुषार्थ होना चाहिए तो कैसे हो गए वो है ना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए हमको गुरु ईश्वर की बड़ी कृपा है तो हमको संत की प्राप्ति हो गई आचार्य की प्राप्ति हो गई ये समझना पड़ता है ना। और हमको अनुकूल स्थान प्राप्त हो गया ग्रंथ प्राप्त हो गया है ना? तो हमको अपना कल्याण करना चाहिए है ना अपना कल्याण करना चाहिए ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे पद यदि इस बात को यदि भूल जाता है तो अब क्या होगा कल्याण कैसे हो तो बहुत ऐसे महापुरुष होते हैं हाँ उसके शिष्य लोग क्या है भ्रष्ट है तो क्या करेंगे उसको हाँ ऐसे भी देखा जाता है ना कोई एक आध कोई होता है मुमुक्ष होता है है ना जो असली धन है गुरु से प्राप्त होता है जो असली धन है वो तो वंचित हो जाता है ना उधर उसका लक्ष्य नहीं है और <laughs> लक्ष्य कुछ दूसरा है उनको मालजाल में लक्ष्य है उसका <laughs> पद प्रतिष्ठा में है हाँ इसलिए वो माँ आत्मा आत्मकृपा आत्म भी आत्मकृपा भी जरूरी आत्म आत्म वो ओमकारेश्वर वाले महाराज जी थे ना ओमकारेश्वर महाराज जी वो कभी कभी भक्तों को बोलते थे अपने भक्तों को गृहस्थ भक्तों को कभी कभी बोलते थे हाँ सावधान कराते थे वो तो बोलते स्पष्ट बोलते थे ऐसा नहीं समझना है मेरे पास जितने भी है जितने भी आते हैं हाँ, 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 सब कल्याण करने वाले हैं सब मुमुख है ऐसा नहीं समझना है हाँ एकदम स्पष्ट बोलते वो स्पष्टवादी थे वो है कि नहीं ऐसा होता है इसलिए ये सब प्राप्त होने पर भी तो योग्य नहीं है शिष्य तो कल्याण कैसे होगा भाई स्वयं भी तो योग्य होना चाहिए स्वयं भी आप अपनी कृपा करे ना इसलिए कहा ना कि यम ही वेश बणुते आप लोग बार बार सुनते हो ना <laughs> यमी वेश बणुते तेनाली आत्मा कृपा भी तो करनी चाहिए है कि नहीं जो वर्ण कर लिया परमात्मा को वर्ण कर लिया अथवा गुरु को वर्ण कर लिया हमारा कल्याण तो इसीलिए हो इसी से होगा है ना इसी से ही इसी के लिए ही हमको प्राप्त हुआ है एक कि नहीं इस वक्त यदि वर्ण कर ले आत्म कृपा कर ले तो कल्याण अवश्य हो जाएगा चलो अब क्या है पचानवे में देखो पचपन में नो निर्गुण ब्रह्मतत्व से गुण रहित तत्व तत् तत ना घटते देखो परमात्मा का उपासना करे ये तो बोल दिया ना लेकिन जो ब्रह्म तत्व है वो तो निर्गुण है भाई वो तो निर्गुण है ना ब्रह्मतत्व तो निर्गुण ब्रह्म तत्व तो वही है जिसमें कोई गुण नहीं है गुण रहित तत्व जिस परमात्मा में कोई गुण नहीं है अब ठीक से सुनो भाई सिद्धांत चल रहा है है ना ये पंचदशी को ठीक ठीक से समझना चाहिए हाँ जिससे आपको सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा संसार नहीं रहेगा है ना बोलते हैं तद न घटते फिर उपासना कैसे करोगे जिसमें कोई धर्म है ही नहीं तो उपासना कैसे करोगे उपासना तो नहीं होनी चाहिए इति आशंका ऐसी आशंका करके देखो उपासना हो जाएगी चिंता ना करो सगुण ब्रह्म की जैसे उपासना हो जाती है निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना हो जाती है ये कह रहे हैं हम बोले कैसे हो जाएगी हमने तो सुना है सगुण ब्रह्म की उपासना होती है निर्गुण ब्रह्म की उपासना तो नहीं होती है और आप बोल लो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना हो जाती है अरे उपासना क्या चीज़ है उपासना है मृत्यु के प्रवाह को लगातार चलाना बस इसी का नाम तो उपासना है और क्या है उपासन से प्रत्यवृत्ति रूपत्वात् प्रत्यय वृत्ति प्रत्यय क्या है वृत्ति है वृत्तियों चित्त जो वृत्ति है ना ब्रह्माकार जो वृत्ति है इस वृत्ति का तो वृत्ति का जो प्रवाह है ठीक है ना प्रत्यय आवृत्ति आवृत्ति कर दे आवृत्ति का अर्थ क्या है प्रवाह लगातार वृत्तियों का जो प्रवाह है इसी का नाम तो उपासन है प्रत्ययकार्थ ले जो वृत्ति आवृत्ति मतलब उसको चलाना निरंतर स्वजातीय ब्रह्म कर आवृत्ति स्वगुण एव निर्गुण अपि संभवती तत्संभवती तदमलब उपासना संभवती स्वगुण ब्रह्म की उपासना जैसे होती है निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना हो जाती है ये बोलते पचपन में देखो निर्गुण ब्रह्म तत्व कहने का अभिप्राय ये, ये देखो वो ज़्यादा कुछ विचार करता नहीं गुरु ने बोल दिया कि परब्रह्म क्या है सत्य है बस पर ब्रह्म सत्य है है ना तो घटो अस्थि पटो अस्थि में जो अस्थि अस्थि है वही परमात्मा है बस श्रद्धा तो है ही वो गुरु के प्रति शास्त्र के प्रति श्रद्धा है ना फिर विचार नहीं करता बस विचार कुछ करता नहीं बस ब्रह्म सत्य है बस वृत्ति हो गई ये तात्पर्य है है ना यदि विचार करके ब्रह्माकार वृत्ति होना और श्रद्धा मात्र से वृत्ति होना दोनों में अंतर है ठीक है ना जो विचार में लगता है सारा जगत को बात करके समझ में ना जैसे घटो अस्थि कह दिया ना घट है तो घट को बात करके जो अस्थि अंश है वही वास्तविक परब्रह्म है ये विचार से करता है और यहाँ पर ऐसा नहीं है पर सत्य कहने से बस पर सत्य है ब्रह्मगारी वृत्ति हो गई ये दोनों में अंतर है ठीक है निर्गुण ब्रह्म तत्व न्यूपास्ते संभव सगुणा ब्रह्मणी वात्र प्रत्यया वृत्ति संभवात <coughs> ये कह रहे निर्गुण ब्रह्म तत्व से नहीं उपासते है पूर्व पक्षी कहता है है ना निर्गुण ब्रह्म तत्व जो परमात्मा है उसकी उपासना भी संभव नहीं है असंभव है ना तो असंभव है तो बोलते हैं कि देखो हो जाएगा सगुणा ब्रह्मणी व सगुण ब्रह्म की तरह है ना नक्ना से निर्गुण ब्रह्म के विषय में भी उपासना हो जाएगी उपासना क्या है प्रत्यय आवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति का जो आवृत्ति है आवृत्तिर असकृत उपदेशात है ना यही है वृत्तियों का प्रभाव रूप जो उपासना है वो संभव है ऐसा है टीका थोड़ी सी ले टीका तो कुछ है ही नहीं उसके बाद छप्पन में देखो नानो निर्गुण से ब्रह्मण ये विचार देखो भाई ब्रह्म है निर्गुण तो है ब्रह्मा तो निर्गुण ब्रह्म है बाग मनसा गोचरत्व अहबाद ब्रह्म तो वाणी का विषय नहीं है मन का विषय नहीं है जो वाणी का विषय नहीं है मन का विषय नहीं है उसकी उपासना कैसे करोगे न उपास्योतम निर्गुण ब्रह्म उपास्य नहीं होगा इति आशंक देखो सिद्धांत ही बोलते हैं पूर्व पक्ष ने कहा कि निर्गुण ब्रह्मा वाणी और मन का विषय नहीं है वाणी और मन जिसका विषय है है ना लेकिन जो स्वयं वाणी और मन का विषय नहीं है जो वाणी मन का विषय ना हो उसकी उपासना कैसे करोगे तो ठीक बात तो तुम्हारे ठीक है लेकिन हम तो ये कहेंगे यदि वाणी और मन का विषय ब्रह्म नहीं है इसलिए ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती तब तो ब्रह्म का ज्ञान भी कैसे होगा बताओ? तो? हैं जो वाणी का विषय नहीं है जो मन का विषय नहीं है उसका ज्ञान भी कैसे होगा फिर निश्चात्मक जो ज्ञान है वो ज्ञान भी तो नहीं हो सकता ना? वेदना पक्ष अपि अयम दोष समान वाणी और मन का विषय न होने से ज्ञान भी तो संभव नहीं हो सकता ये कहते हैं इसलिए कहना चाहते हैं ज्ञान भी संभव है और इसकी उपासना भी संभव है छप्पन में अवागमनसगम्यम तन नोपास में चेत अवागमनसगम्य वेदना न च संभव पक्ष है पूर्वार्ध में चेत मतलब यदि चेत अवांग मनस गम्यम बा च इति बांग मनसे देखो मनस शब्द होता है मनस तो सकारांत तो होता है लेकिन समास करोगे तो तो अप्रत्यय हो जाएगा असमास हो, हो जाएगा मा क्या होगा बांग मनस ऐसा हो जाएगा ठीक है ना बांग मनस को गोकार समझ में ना चोहकू से ठीक <laughs> <थीके>? है <coughs> पहले जो है चौकार को ककार करो फिर पर सवर करो तो गॉँव हो जाएगा ठीक है ना? वाह पदंत से चलो जो बाणी और मन का विषय नहीं है ता न उपास्यम और ब्रह्म उपास्य नहीं होना चाहिए तदा अवंग मन से गमस्या वेदना संभवित वाणी और मन का विषर होने से ज्ञान भी तो कैसे होगा ज्ञान जब नहीं होगा तो अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी तो और शोकमात्मा भी आत्मा का साक्षात्कार जब नहीं होगा तो फिर अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी <coughs> अच्छा नो सत्तावन नंबर में नो ब्रह्मा अवांग मनस गोचरम इतव ज्ञातुम सक्यम इतिहासं देखो इस प्रकार से ज्ञान तो हो सकता है पूर्व कह रहे हैं कि ब्रह्मा वाणी और मन का विषय नहीं है इस प्रकार का ज्ञान बस <laughs> ये बोलते हैं ब्रह्मा वाणी और मन का विषय नहीं है ऐसा ज्ञान तो हो जाएगा बस शब्द से है कि नहीं ये तो आपको ज्ञान हुआ ना जो बोल रहे हैं इतना तो आपको समझ में आया क्या समझ में आया जैसे आजकल सुनाते हैं ना तत्व मसी भाई तत्का अर्थ क्या है ब्रह्म परमात्मा आ तुम का अर्थ क्या है तुम असी मतलब हो आपको समझ में आया हाँ गुरु जी यही यही तो तत्व और क्या तत्व <laughs> ज्ञान हो गया हाँ गुरु जी हो गया जाओ फिर मुक्त हो गए तुम <laughs> इसी वगैरह से कह रहे पूरा पक्षी कि ब्रह्मा वाणी और मन का विषय नहीं है समझ में आया हाँ गुरु जी समझ में आ गए यही तो ज्ञान है यही ब्रह्म का ज्ञान है <laughs> इतिहास्य हो गया ना एवं एवं एबा उपासितम अपि सक्यम क्योंकि श्रद्धा तो है ना गुरु जी तो झूठ नहीं बोल सकते गुरु जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा वाणी का और मन का विषय नहीं है श्रद्धा तो है ही हो श्रद्धा होने मात्र से कि उपासना हो जाएगी कि ब्रह्मा वाणी और मन का विषय नहीं है इसी बगैर वो चिंतन कर लेगा वो बस यही तो उपासना है जैसा शास्त्र में कहा गया उसमें कोई शंका नहीं बस नानो नाचक के बिना जो बुद्धि में जो चिंतन हो जाए यही तो उपासना है <laughs> यही क्या है उपासना है इसलिए उपासना श्रद्धा के बल पर हो जाती है भाव सही तो उपासना होती है बाप के बिना कैसे उपासना होगी सत्तावन है <coughs> ओम पूर्ण मद पूर्णमिद पूरात् पूर्ण पूरा मुदच्यते पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्णमेवा ओम शांति 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 हाँ कल अनाध्याय रहेगा परसों करेंगे विचार नारायण <coughs>